गेस व्हाट, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आई. वो तो कह रहे थे कि तुम्हारे वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, विच मीन्स तुम्हें आज शाम तक डिस्चार्ज मिल जाएगा. आज तुम अपने घर पे सो सकते हो अपनी माँ के पास. रिश्ते कैसे होते हैं ना पलकी, यहाँ आकर बनते हैं रिश्ते, लेकिन खून का रिश्ता पेट से ही बन जाता है और वो रिश्ता बाकी रिश्तों से 9 महीने बड़ा होता है. माँ का रिश्ता, किसका बेटा होगा, कौन से खानदान में जाएगा, ये सब कुछ खून से ही बन जाता है और हम चाहकर भी वो रिश्ते तोड़ नहीं सकते. क्या हुआ, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं. कम ऑन, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, तुम्हारी फियांसे हूँ, मेरे भी रिश्ते हैं जिन्हें मैं निभाती हूँ. पर तुम क्या कह रहे हो वो मैं नहीं समझ पा रही हूँ. बल्कि रिश्ते समझ से बनते हैं, लेकिन कभी कभी रिश्ते समझ ही नहीं आते हैं. और मुझे लगता है कि मैं रिश्तों को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझने लगा हूँ. मैं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है मुझे इतना समझना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब मुझे कुछ नहीं पता था तब सुकून था जिंदगी में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. बल्कि नहीं, कभी कभी लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, लेकिन फिर समझ में आता है कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है. You're right. कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, बट सॉरी I'm really confused. तुम क्या कहने की कोशिश करो मुझे समझ नहीं आ रहा है. ठीक ही है, तुम ना समझो तो बेहतर है, और मैं तुम्हें समझाना भी नहीं चाहता, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं. आज भी है. वर्षा दी, प्रीता जी कहाँ है? वो तो बाहर रिसेप्शन पर है. ओके, इन्हें क्या हुआ? वर्षा, अब लूथरा हाउस में सब ठीक है ना? नहीं प्रीता जी, कुछ भी ठीक नहीं है. दादी की कंडीशन और भी खराब हो गई है, एंड आपको भी पता है, सबको पता है कि इस केस में आपसे अच्छी डॉक्टर और कोई है ही नहीं. तो प्रीता जी, आप क्यों नहीं उनको ट्रीट करती? देखा तुमने, तुम्हारे इस घर में पैर रखते ही ना इस घर में झगड़े शुरू हो जाते. तुम यहाँ पे नहीं रह सकती, तुम जाओ यहाँ से, निकलो. निधि जो बोल रही है ना वो करो. मैं मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट ना कर ले. प्रीता जी बोलिए ना, क्या हुआ, आप दादी को क्यों नहीं संभालती, उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है. वर्षा एक मिनट, मुझे दादी की एग्जैक्ट कंडीशन बताओ. वर्षा दी जरूर माँ को बानी दादी की कंडीशन के बारे में बता रही है, माँ का चेहरा साफ साफ बता रहा है मुझे. ओके, मैं जाती हूँ, मैं जाऊंगी, दादी का ख्याल रखूंगी और ऐसे रखूंगी कि किसी को कुछ पता ही ना चले, पर दादी जल्दी से अच्छी हो जाए.